सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। देखो सेंटो के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंटो, जैसे पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना था। इसको हिंदी में केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जो शीत युद्ध का एक काला अध्याय से क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके पीछे रीजन था। ये भी एक टर्निंग पॉइंट बना था, क्या कहते हैं, कोल्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। उसका कारण बस यही था कि पहले इसका नाम बगदाद पैक्ट था, यानी कि बगदाद संधि। पहले इसे बगदाद संधि कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन नहीं था। पहले सिर्फ चार कंट्री लगभग क्या कहते हैं मोमडन्स कंट्री थी इसके अंदर मोस्टली, लेकिन बाद में क्या कहते हैं इसका नाम बदल गया, यानी कि बाद में इसका नाम सेंटो पड़ गया, ठीक है। पहले से मेंटो कहा जाता था, फिर से सेंटो कहा जाने लगा। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो था टर्की के अंदर था। टर्की में पहले ये मेंटो के नाम से जाना जाता था। टर्की एक प्लेस कंट्री है, टर्की के अंदर एक प्लेस है जिसे हम अंकारा बोलते हैं, वहां पर इसका हेडक्वार्टर था। जैसे सीटो का हेडक्वार्टर था और उसके बाद नाटो का हेडक्वार्टर था, ऐसे इसका भी हेडक्वार्टर था, ठीक है। टर्की कंट्री, वो अभी आप मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा इसके मेन मेंबर ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड देन यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा यूएसए इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। यूएसए इस संधि का हिस्सा नहीं था, लेकिन यूके क्या कहते हैं इस संधि का हिस्सा था। यूके की भी मेन आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना, पूंजीवादी को बढ़ावा देना, पूंजीवादी को बढ़ावा देना, जिसमें से ईरान, इराक और पाकिस्तान, टर्की, ये चार कंट्रियां तो थी साथ में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो था वो बाद में इसके साथ आ गया था, जब इसका नाम क्या पड़ा, सेंटो पड़ गया। अगर इसकी बिगनिंग देखें तो सबसे पहले ये बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता था, जो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में। स्टार्टिंग में कंट्री थी ईरान, इराक, पाकिस्तान एंड टर्की, ये चार कंट्रियां मेन थी याद रखिएगा, जो सेंटो के अंदर मेंबर बनी थी। एंड लास्ट में इंग्लैंड आ जाती है बाद में, ठीक है। और जब इंग्लैंड आ जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर इराक जो था वो विथड्रॉल कर लेता है। उन्होंने 1959 में, यानी कि बगदाद पैक्ट के चार साल के बाद, इराक के पीएम ने यहाँ से विड्रॉल कर लिया। और विड्रॉल करने के बाद आप देखेंगे इसका नाम पड़ गया सेंटो। और विड्रॉल करने का कारण सिर्फ यही था कि जो इंग्लैंड था ना, इस सेंटो के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था। क्यों? क्योंकि लीडर इसके अंदर यूके ही बन गया था। यूके इसके अंदर लीडर बन गया था क्योंकि फाइनेंशियली हेल्प तो यही कर रहा था लीडर बन के, इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने विड्रॉल कर लिया, जबकि शुरुआती समय में साथ में थे। तो आप देखेंगे इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, ये ब्लैक में जो आपको दिख रहा है ये ईरान एक कंट्री है। ईरान कंट्री अपने आप को अलग कर लेती है और अलग करने के बाद इसका नाम पड़ जाता है सेंटो। बगदाद पैक्ट पहले इसका नाम था। टर्की ये वो इलाका है जहाँ पर क्या कहते हैं इसका हेड ऑफिस है। ईरान ये भी एक मॉडर्न कंट्री है। और जो पाकिस्तान जो भारत के लगभग उस वाले हिस्से में है, जो आपको पता है ये कहाँ है, तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। अब आप देखेंगे कि ईरान सिर्फ और सिर्फ यूके के ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से अपना कंट्रोल कर लेता है, तो टर्की जो था ना इसमें मेन कंट्री रह गई। अब इन दोनों का कोलैप्स आपस में होता रहता है सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं को लेकर। इन देशों के बीच में फंडिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम होती रहती थी कि कौन फंडिंग करेगा, कौन कैसे करेगा। ये इनके प्रिंसिपल क्या थे, इनके प्रिंसिपल थे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और अन्य देशों की रक्षा मजबूत करना, मेन प्रिंसिपल सबसे बड़ा। दूसरा, देश के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे दूसरे देश के मामले में, यानी कि पाकिस्तान में क्या हो, टर्की कुछ नहीं बोलेगा, टर्की यूके को नहीं बोलेगा, यूके ईरान को नहीं बोलेगा, उनके आपसी समझौते को लेके। दूसरा, ये लोग दुनिया के अन्य देशों से संबंध नहीं रखेंगे, यानी कि अगर सेंटो के अंदर जो भी काम हो रहा है दूसरी कंट्रीज से साझा नहीं कर सकते। और दूसरा, यह संगठन हर 5 साल के लिए चलेगा बस,
और 5 साल खत्म होने के बाद, इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, इसमें नए नए चेंजेस आएंगे, नए आकार दिया जाएगा इसको हर बार। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ये अपनी अफवाहों में लेके रहता था। अब इनका भी मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर यूके इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ और मध्य पूर्व से दूरी रखना इसका मेन उद्देश्य था। यानी कि ये कंट्रियां, अगर यूके इनको फाइनेंस करने आया है, इनका साथ देने आया है, तो उनका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी यूएसएसआर के अलायंस है ना, उनके साथ संबंध ना बनाए और ना ही यूएसएसआर के साथ विलय हो। तो कितना सटीक आइडियोलॉजी थी अमेरिका की और यूके की कि भाई यूएसएसआर की कंट्री के साथ नहीं जाना है। तो ये भी पूरी तरह से कैपिटलिज्म हो गई, ये भी कैपिटलिज्म को ही अपनाएगी, क्योंकि जब इसके सिद्धांत ही हमने देख लिए कि दूसरे देश से संबंध नहीं रखेगी और हर 5 साल के बाद इसके आकार बदल दिए जाएंगे, डिसीजंस पावर्स बदल दी जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले इस टाइम पे इसका फ्यूचर क्या होगा, जिसकी वजह से इराक जो था जस्ट 4 साल के बाद ही निकल गया। उसका कारण अब देखिए, सोवियत रूस और अन्य अरब देश के लिए चुनौती थी, क्योंकि ये उससे मिल नहीं सकता था। और आप इराक और देखेंगे वो कंट्री वो लगभग आपस में एक दूसरे के पास थी, वो कंट्रियां उनसे विलय हो रखी थी और ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, पर इनका मेन लक्ष्य ऑब्जेक्टिव यही था कि उनसे बातचीत नहीं करनी है। अब आप ये देखेंगे कि यूके जैसी कंट्री अगर सीटों के अंदर है तो फाइनेंशियली मदद करने के लिए कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की इसमें मदद लेने की आकांक्षा थी कि भाई यूएसए जो है ये भी कैपिटलिज्म को ही मानता है, तो इससे हम फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं। फाइनेंशियली हेल्प लेने की वजह से होगा क्या, शांति स्थापित होगी, व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य होगा, यानी कि कॉमर्स साइड आएगी और विकास करने मदद मिलेगी। क्योंकि अगर ये कंट्री है, पाकिस्तान है, इराक है, ईरान है, ये कंट्री थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कैपिटल को लेके कमजोर होगी, जिसमें यूके इनका एक प्लस पॉइंट बना इनको फाइनेंस करने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर अगर इनको और अच्छा करना है और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो ये कंट्री क्या कर सकती है, ये कंट्री कर सकती है दूसरे और कंट्रीज को अपने साथ मिला लेगी ताकि उससे फाइनेंस करवा सके। पर अमेरिका इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस कंट्री, बट वो सोच रहे थे कि भाई उनसे हम उनका साथ ले लेंगे तो वो फाइनेंस हमें अच्छा कर देंगे ताकि हमारी कंट्री के बीच में व्यापार अच्छा हो जाए, विकास होगा अच्छा, है ना। तो मतलब ये सारा आप समझ सकते हैं, सारा मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर से दूरी बनाए रखने के लिए, ताकि ये कंट्रियां यूएसएसआर के साथ ना चली जाए, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अमेरिका और इंग्लैंड की रक्षा प्रणाली की पेशकश में इसमें सफल हुए और डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इंग्लैंड का पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाता है। यानी कि बोल देता है कि ठीक है, इनका मेन उद्देश्य यही रहेगा, ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि अमेरिका फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी और अगर कोई मिलिट्री और हमें सेवा चाहिए होगी तो अमेरिका हमारी मदद करेगी। इसकी वजह से आप देखेंगे कि टर्की जो कंट्री है ना, वो इससे पूरी तरह से टूट जाएगी। टर्की कहेगी कि अरे ये हो क्या रहा है, यहाँ पर यूएसए अपनी ज्यादा धोस जमा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम सेंटो के एनालाइज पे आए और इसका हम संश्लेषण करें, विश्लेषण करें, तो सेंटो से हमने क्या पाया, सेंटो वाज नॉट अ सक्सेसफुल अचीविंग हिज गोल। आप देखेंगे सीटो इसका अचीव क्यों नहीं कर पाया गोल, क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनकी कम्युनिकेट होने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसी अगर सेंटो खत्म हुआ तो उसका कारण क्या था। 1955 में इसकी स्थापना हुई, 1959 में एक इराक इसमें से विड्रॉल कर लेता है और इराक विड्रोल करने के बाद 1960 आ जाता है। 1960 होने के बाद लगभग 17 साल ही, वो 20 साल ही चल पाता है, और वो भी 20 साल ही चल पाता है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि पहले बगदाद पैक्ट बना 1955 में, उसके बाद इसका नाम सेंटो पड़ गया 1959 में। क्यों, क्योंकि इराक इसमें से निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि सही मायने में ना मिडल ईस्ट में ऐसी संधि की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि भाई मॉमडन कंट्रीज तो पहले से अलायंस में बैठी हुई थी अपने साथ ही, यूके को उसके साथ आने का फायदा क्या हुआ, वेस्टर्न
व्यापार थोड़ा बहुत बढ़ा लेकिन उन कंट्री को बस फाइनेंशियली मदद मिली। लेकिन यूके और यूएस की मेन आइडियोलॉजी क्या थी? यूएसएसआर से दूरी बनाए रखना, इसीलिए ये लोग इनके साथ आए, बल्कि जरूरत नहीं थी सेंटो जैसे ट्रीटी करने की उन्हें। दूसरा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो, सोवियत संघ कम क्लोजर टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान जो था अगर सेंटो के अंदर आ गया तो आप देखेंगे निकिता खुरुशेव 1959 में तो वही थे निकिता खुरुशेव, निकिता खुरुशेव हमारे भारत में आ जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे एनालाइज है यहाँ पर। दूसरा, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, मतलब व्यापार को लेके टर्की और इंग्लैंड के बीच में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, सारा का सारा होता था टर्की और इंग्लैंड को लेके, पैसे को लेके, पावर्स को लेके, कौन सेंटो के अंदर मोस्ट पावरफुल बनेगा इसको लेके, इन दोनों के बीच में डिबेट हमेशा होती रहती थी जिसकी वजह से सेंटो खत्म हुआ। दूसरा कारण, अमेरिका इसका मेंबर तो नहीं था लेकिन फिर भी वो एक्टिव रोल निभाता था इसके अंदर, एक जोशी से काम करता था जबकि इसको कोई जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ फाइनेंस करने वालों लोगों में से था और मिलिट्री अलायंस, ओ सॉरी, फाइनेंसली और क्या कहते हैं मिलिट्री हेल्प देने के लिए था ये, लेकिन ये पूरी तरीके से सेंटो के अंदर अपनी पावर दिखाता है जबकि इसे नहीं दिखाना चाहिए था, है ना। आप नॉर्मल सा ले लो कि अगर कोई चार दोस्त हैं, अगर उनके बीच में कोई बात हो रही है तो वही लोग ही तो कोई बात कर सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आके उन चार दोस्तों के बीच में कोई बात तो नहीं छेड़ सकता ना, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे उसका उल्टा होता था। यूके इसमें मेंबर था, यूके तो अपनी चलाता चलाता था लेकिन यूएसए जो था फाइनेंशियली मदद करने की वजह से भी इसमें ये एक्टिव रोल रहता था उसका। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद था कि यूएसएसआर के साथ इनका अलायंस ना हो, ठीक है। तो आप देखेंगे लैक ऑफ एडिकेट फाइनेंस, यहाँ पर फाइनेंस को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। फाइनेंस को लेके यूके और यूएसए सबसे ज्यादा मेन फाइनेंस करते थे इसके अंदर से। इराक पहले निकल गया था, पाकिस्तान बचा, ईरान और इराक बचा, सॉरी ईरान और टर्की बचा, उनके पास इतना पैसा होता नहीं था। यही तो हो रहा था वर्ल्ड लेवल पे। आप देखेंगे कि यूएसए जिन कंट्री के साथ जुड़ रही है उसके जो दुश्मन होंगे उसके साथ यूएसएसआर जुड़ जाता था। एग्जाम्पल के लिए चीन, चीन के साथ यूएसएसआर जुड़ गया और हमारे इंडिया के साथ भी यूएसएसआर जुड़ गया, लेकिन हम उनके मेंबर नहीं बने थे। चीन भी बन गया था लेकिन हम बाहर नहीं।